लिखना सिखाऊंगी। गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी, ये वो एग्जाम्पल है जो आप लोगों के एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों के ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हमारे देश को मिली थी, परंतु हमारा अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। याद रखना है आप लोगों को कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इस दिन को हम किस नाम से जानते हैं? गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। इस दिन हमारे देश में संविधान के अनुसार जनता का राज घोषित हुआ। इस दिन सारे देश में सरकारी अवकाश होता है, सरकारी छुट्टी रहती है। दिल्ली में तो ये दिन विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिन पहले से ही तैयारियां होने लगती हैं। इस दिन प्रातः 9 बजे विजय चौक से राजपथ व इंडिया गेट, कहाँ से? विजय चौक से राजपथ और इंडिया गेट होता हुआ एक जुलूस निकलता है, जो कहाँ पहुँचता है? लाल किले तक जाता है। इस परेड में सब राष्ट्रपति को सलामी भी देते हुए निकलते हैं, जो कि विजय चौक पर विशेष रूप से सजे हुए मंच पर उपस्थित रहते हैं। कौन से विशेष रूप से सजे हुए? विजय चौक पर। परेड में 3 सेनाओं के दस्ते होते हैं, सैनिक साथ सम्मान होते हैं और सभी प्रदेशों की झांकियां होती हैं। इसके अलावा स्कूल के बच्चे भी इसमें भाग लेते हैं। सारे रास्तों पर यानी दर्शकों की, देखने वालों की काफी भारी भीड़ होती है। अंत में आकाश में, आसमान में वायुयान तिरंगा धुआं छोड़ते हुए निकलते हैं। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर तिरंगा धुआं छोड़ते हुए निकलता है। रंगीन गुब्बारे आकाश में शान से लहराते हैं। इस दिन साहसी बच्चों को पुरस्कार अवार्ड भी दिए जाते हैं। वे हाथी या जीप पर बैठकर परेड में भाग भी लेते हैं। रात को सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है, सरकारी घरों पर रोशनी भी की जाती है और आतिशबाजी भी छोड़ी जाती है, बम पटाखे भी छोड़े जाते हैं। राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी दिखती है। ये दिन हमारे लिए गौरव का दिन है, जो हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता है।